भगवतो अरहतो सम्मा संबुदस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुदस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुदस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयमपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयमपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयमपि संघं शरणं गच्छामि तत्यमपि बुद्धं शरणं गच्छामि तत्यमपि धम्मं शरणं गच्छामि तत्यमपि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वीरमणि शिक्षा पदं समाध्यामि आदीन दाना वीरमणि शिक्षा पदं समाध्यामि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि शिक्षा पदं समाध्यामि मूसावादा वीरमणि शिक्षा पदं समाध्यामि दूरा मीरो मज्जपमदिठाना वीरमणि शिक्षा पदं समाध्यामि साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। साथियों, आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम सब के घर में सब पूरे परिवार है लेकिन एक नहीं है सर। वैसी परिस्थिति में आज हम सब कुछ सीखने और सुनने के लिए बैठे हैं। सभी पूरे हमारे इष्ट मित्र हितजन घर परिवार के लोग उपस्थित हैं। चूँकि हम सब सुनेंगे समझेंगे और सीखेंगे और वही करेंगे। समाज में पुरुष और नारी का विशेष स्थान है। यद्यपि शारीरिक ढांचे बल तथा कार्य क्षेत्र की दृष्टि से पुरुष नारी में भिन्नता के अंश वर्तमान है, फिर भी भिन्नता के अन्य क्षेत्र भी हैं। पुरुष यद्यपि पुरुषार्थ की कठोर भूमि पर खड़ा है तो नारी मातृत्व के महान गौरव से गौरवान्वित हो मानव समाज के जीवन को गतिमान बनाती है। हमें अपनी स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और धर्मनिरपेक्षता की रक्षा के लिए खून की अंतिम बूंद तक दृढ़ प्रतिज्ञ होना चाहिए। आज हम सब यहाँ आदरांजलि सभा में, शोक सभा में, श्रद्धांजलि सभा में कहें, ये सब एक ही शब्द है। और आप सभी जानते हैं कि मृत्यु जो है जीवन का हिस्सा है। ये सबसे कठिन सत्य स्वीकारने में, एक बेटा के रूप में आप सोचे तो उसे यदि उसके माता पिता 80 85 90 बरस के रूप में बिछड़ते हैं तो पिता को बहुत, जो बेटा है उसका बहुत कष्ट होता है। एक पिता के लिए भी यदि उसका अपने संतान को खोता है तो बहुत तकलीफ होता है, माँ पुत्र को खोए तो तकलीफ होता है। और उसी प्रकार से हम अपने परिवारजनों को खोते हैं, चाहे उम्र कोई भी हो, 90 बरस हो, 100 बरस भी क्यों ना हो। एक पिता
एक पुत्र को लगता है कि मैंने अपना पिता खो दिया। इसके पीछे का वजह जानते हैं, बहुत साधारण सा सामाजिक विज्ञान है। मैं अपने पिता को कैसे याद करता हूँ, ये पीड़ा मेरे मन में इतना क्यों भर जाता है कि हमारे बाबूजी अब ना रहे, क्यों है मालूम है? क्योंकि पिता तो अब नहीं रहे, लेकिन जो वक्त रहा सालों साल का, उंगली पकड़ के मेरे पिता का चलाना, मेरी फिक्र करना, कंधे पर बैठाना, मुझे पढ़ाना, मुझे आगे बढ़ाना, मेरी प्रशंसा करना, मुझे उन्नति के मार्ग पर चलाना, ये सारी बातें एक दो साल की नहीं होती है, कई वर्षों की होती है। ये सारी बातें जहन में आती हैं, एक एक करके याद आती हैं, और वो हमें बहुत भावुक बना देती है, हमें बहुत तकलीफ में डाल देती है, और हम याद करने लगते हैं उन लम्हों को, अपने पिता माता से ज़्यादा उन लम्हों को याद करने लगते हैं कि कितना साथ मिला, कितना सहयोग मिला, कितना उनका छत्र छाया मिला। जैसे मैं अपने दादा को याद करूँ तो मेरे दादा जिंदगी भर मुझे हमेशा एक ही बात कह रहे, बाबू तू बहुत बढ़ जाएगा, तू डॉक्टर बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा। और उन्होंने अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए तमाम मुश्किलें झेली, तमाम कष्ट झेला, तो वो बातें याद आ जाती हैं। और जहाँ तक बात है इस संस्कार से या इस विधान से जुड़ा हुआ, कि ये जो संस्कार है श्रद्धांजलि का, इसको कैसे किया जाए, क्यों किया जाए, क्या क्या किया जाए, ये सारी बातें हैं। तो अभी तक हम लोग जितना कुछ करते रहते बिना सोचे समझे करते रहते, सच बताता, बुरा मत मानिएगा। और जब कभी भी कोई ऐसा संस्कार हो तो तथागत बुद्ध के दिखाए हुए मार्ग का अनुगमन करते हुए उस संस्कार में हम लोग शामिल होने की कोशिश करें। तो एक बार पुनः मैं अपनी तरफ से दिल की गहराई से मैं श्रद्धांजलि श्रद्धा के सुमन में सम्मान समर्पित करता हूँ, मैं जो परिणीवित हमारी लक्ष्मी बहन थी, दीदी थी, उनके लिए। और बाकी सरवण जी का मैं आभार करता हूँ कि आप इस क्रांतिकारी कदम से लोगों को जोड़ रहे हैं, हमारे जितने बहनें, हमारी जो माताएं हैं, सभी लोग बैठे हैं, बुजुर्ग हैं, मंच पे जितने लोग बैठे हैं सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और सब इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं और अपने अपने तरीके से अपने विचारों से समाज को जोड़ने, समाज को बांधने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सभी का बहुत बहुत आभार और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। आज हम ये शोक सभा मना रहे हैं, इसमें जो सारे अखंड पखंड रही आगे बढ़ा रहे हैं, इसके लिए मैं सबको बहुत बहुत साधुवाद अभिनंदन करते हुए अपना श्रद्धा सुमन लक्ष्मी देवी को करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।